पानी एक जीवन देने वाला सब्सटेंस है। धरती पर किसी भी जीवित चीज की एग्जिस्टेंस पानी के बिना पॉसिबल नहीं है। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम का सिंपल कॉम्बिनेशन पूरी दुनिया के समंदरों और सागरों में बदला हुआ है। पूरी ह्यूमन बॉडी और धरती की सतह में लगभग 70% पानी है, लेकिन क्या होगा अगर धरती का सारा पानी गायब हो जाए तो? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं फैक्ट फिक्शन। सो लेट्स नो अबाउट व्हाट विल हैपन इफ ऑल वाटर डिसअपीयर्ड। अगर धरती का सारा पानी गायब हो जाए तो वो बिल्कुल एक स्क्वीज हुए नींबू के जैसे दिखेगा। हम सभी जानते हैं कि पानी सभी लिविंग सेल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस आदि का एक एसेंशियल कंपोनेंट है, और इसके ना होने पर वो सभी विलुप्त हो जाएंगे। जिसका मतलब है कि पानी के बिना धरती पर कोई जीवन नहीं होगा और धरती पर हर जीवित वस्तु मर जाएगी। अगर पानी गायब हो गया तो कोई वेपोरेशन नहीं होगा और इसलिए एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर नहीं होगा। ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होने के कारण आसमान अपना रंग बदल सकता है और लाल रंग का दिखाई दे सकता है। वाटर वेपर के बिना कोई ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव नहीं होगा, जिससे धरती का सरफेस टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा और शायद वो फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी कम हो सकता है और शायद हम आइस एज में वापस आ जाएंगे। हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फ्रीज करने के लिए कुछ ज्यादा बचा ही नहीं होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे धरती पर 1/4 लैंड है और 3/4 वाटर, तो सारे पानी के गायब होने के बाद अगर ऊपर से देखा जाए तो सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ और बचे कुचे पेड़ ही दिखाई देंगे, और जहाँ समंदर हुआ करते थे वहाँ से बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे और उन गड्ढों में नमक के ढेर दिखाई देंगे। हमें हमारा वर्ल्ड मैप भी बदलना होगा क्योंकि अभी हमारे करंट मैप में दिखाई देने वाले कॉन्टिनेंट्स पानी के ना होने पर पूरी तरह से अलग दिखाई देंगे। हालांकि अभी भी हवा होगी क्योंकि सनलाइट एटमॉस्फेयर को गर्म रखेगा, लेकिन कोई मौसम नहीं होगा। अगर एक बार धरती पर एटमॉस्फेयर ने पर्याप्त चार्ज बना लिया तो बिजली जरूर चमकेगी। बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वाले प्लैनेट्स जहाँ सफिशिएंट वाटर नहीं होने पर वहाँ ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव होता है। फॉर एग्जांपल वीनस को ही ले लेते हैं। ये जियोलॉजिकली हमारी अपनी दुनिया से काफ़ी सिमिलर है और साइंटिस्ट के हिसाब से एक समय पर इसकी सतह में पानी के होने की भी संभावना थी। हालांकि यह स्पष्ट रूप से एटमॉस्फेयर में मौजूद सभी कार्बन डाइऑक्साइड से निपटने के लिए सफिशिएंट नहीं था, इस वजह से वो गर्म होता गया और आज उसका सरफेस टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पानी के गायब होने के बाद जीवन की संभावना तब तक नहीं होगी जब तक कि भारी मात्रा में बर्फ ले जाने वाले कॉमेट्स धरती से ना टकराए और हाइड्रोस्फीयर फिर से रिस्टोर ना हो जाए। पानी हमारे जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है, और कई फ्यूचरोलॉजिस्ट का तो ये भी कहना है कि अगली सबसे बड़ी वॉर इकोनॉमिक गेन या फिर टेरिटरी के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए लड़ी जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।